नमस्कार दोस्तों, मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें आपको मैं बताऊंगा मार्फो की जो सभी प्रॉब्लम की सेटिंग है इस वीडियो में बताऊंगा। यह दोस्तों सबसे फर्स्ट हम बताऊंगा कि आपको मार्फो जो मोड चेंजर है उसको आप कैसे यहां पर अपने पीसी या लैपटॉप में लगा सकते हैं। आप केवल एक ड्राइवर इंस्टॉल करके अपने पीसी या लैपटॉप और स्मार्ट कार्ड भी बना सकते हैं और ई श्रम कार्ड भी बना सकते हैं या अपने बैंकिंग को भी चला सकते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा जो भी आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है मार्फो सेटिंग्स से रिलेटेड, चाहे वो यूएसबी ड्राइव नॉट रिकॉग्नाइज्ड से, चाहे आप कोई भी विंडो हो उस पर यह वर्क करेगा। तो चलिए आइए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल पर बटन सेलेक्ट कर देना ताकि मैं ऐसे ही जो भी वीडियो डालो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए सबसे पहले आपको मार्फो आईडी सर्विस ड्राइवर वर्जन 2.0.1.3.4 जो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया उसी को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कहाँ से करना है आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो डाउनलोड लिंक दिया है वहाँ से आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए फर्स्ट मैं मार्फो मोड चेंज कैसे करेंगे आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप माई पीसी में जाएंगे आपके, उसके बाद आपके जो ड्राइवर श्री है वहाँ पर चले जाना है, उसके बाद आपको मार्फो आरडी सर्विस सॉफ्टवेयर पर जाना है, उसके बाद आपको कॉन्फिगर सेटिंग पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है तो किसी पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन जो टूल है यहाँ पर आपको ज़ीरो कर देना है। यदि आप ज़ीरो कर देते हैं तो यहाँ से आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और बैंकिंग चला सकते हैं। यदि आप इसको आप वन कर देते हैं, चलिए मैं इसको वन कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आपको यहाँ से आपको कम्युनिकेशन मोड को ही चेंज करना है। यहाँ से आप कम्युनिकेशन मोड चेंज करेंगे तो आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, डीसीपी ओपन कर सकते हैं और अदर बैंकिंग का जो भी पोर्टल है आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे ही आप कम्युनिकेशन को आप यहाँ पर जीरो करेंगे या वन करेंगे उसके बाद आप सेव करेंगे तो आपको सर्विस में जाकर, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखिए टाइप सर्च दिया है, यहाँ पर मैं सर्विस, जी हाँ दोस्तों यहाँ से आपको सर्विस आपको सर्च कर लेना है। चलिए यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ सर्विस। जैसे कम्युनिकेशन मोड में आप वन डालोगे या टू डालोगे आपके वर्क के ऊपर है, यहाँ से उसके बाद आप डालने के बाद सर्विस पर आपको आ जाना है, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। आपको मार्फो लगा होना चाहिए दोस्तों और यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप सर्विस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एम पी के जो प्रेस है उसको आपको दबाना है, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। चलिए मैं एम को दबाता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्फो आरडी सर्विस दिखाई दिया है, वहाँ पर मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। यह दोस्तों आपके जो आरडी सर्विस होना चाहिए इंस्टॉल, मैं जो आपको पहले बता चुका हूँ उसी को इंस्टॉल करना, उसके बाद आपको मार्फो को लगा देना है। और देखिए यहाँ पर नीचे में दिया है मार्फो स्मार्ट यूएसबी, उसको भी आपको रिस्टार्ट कर देना है। यह दोस्तों सिंपल सा यह सेटिंग है, आई थिंक आपको यह समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों जब भी आप कम्युनिकेशन में बदलाव करेंगे आपको मार्फो लगाकर सर्विस में जाकर रिस्टार्ट करना जरूरी है, तभी यह वर्क करेगा दोस्तों। यदि समझ नहीं आएगा तो एक बार इस वीडियो को और रिस्टार्ट करके देख लेना। चलिए आपको दूसरा जो प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस वीडियो के नीचे इस टॉपिक पे दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दिया हुआ है, उसको आपको देख लेना है, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते तो मैंने आई बटन पर दिया हुआ है उसको आपको देख लेना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, जरूर देखना, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी।